हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे WWE के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की पहली स्टोरी है शेन मैकमैन से रिलेटेड। तो रिसेंटली ये रूमर्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं कि शेन मैकमैन AEW को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा बस क्रिएट हो चुका है। लेकिन टोनी खान ने रिसेंटली कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो आज तक शेन मैकमैन से बात तक नहीं की है। तो ये जो भी रूमर्स है शेन मैकमैन के AEW को ज्वाइन करने के, ये सब गलत हैं। लेकिन फाइट वर्ल्ड स्लग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शेन मैकमैन का अभी WWE के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो एक फ्री एजेंट है। अगली स्टोरी है हर्ट बिजनेस से रिलेटेड। तो रिसेंटली एक फैन ने अपने एक्सीडेंट पर एक ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने लिखा, दे टुक योर गिमिक एंड क्रू एंड गेव इट टू द ब्लड लाइन, दैट्स व्हाट हैपेंड, यू गाइस वर सो कूल, द सूट्स, द एटीट्यूड एंड गोल्ड, अ कंप्लीट यूनिट। तो इस फैन का कहना है कि WWE ने द हर्ट बिजनेस का गिमिक लेकर ब्लड लाइन को दे दिया। और इस पर रिप्लाई करते हुए MVP ने लिखा, ट्रू स्टोरी, यानी कि वो भी इस चीज से एग्री करते हैं। अगली स्टोरी है चैट गेबल से रिलेटेड। तो चैट गेबल ने अपना एक नया निकनेम रिवील किया है, क्योंकि कल वो मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच में कम्पीट करने वाले हैं। तो उससे पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये नाम शेयर किया, जहां पर उन्होंने लिखा है, मास्टर इन द बैंक। अगली स्टोरी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार पेटन रॉयस से रिलेटेड। तो पेटन रॉयस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आज ये न्यूज़ शेयर की कि उन्होंने अपने सेकंड चाइल्ड को इस वर्ल्ड में वेलकम किया है। उसका नाम उन्होंने रखा है हार्ले डीन। अगली स्टोरी है गुंथर से रिलेटेड। तो ज़ेरो न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बैश इन बर्लिन में गुंथर एक टाइटल मैच में कम्पीट करने वाले हैं, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि गुंथर शायद समर स्लैम में, जो उनका टाइटल मैच होने वाला है, उसमें वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि गुंथर समर स्लैम में न जीतकर बैश इन बर्लिन में अपने होम टाउन में वर्ल्ड टाइटल को जीतें। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि WWE गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच को अभी के लिए सेव करके चल रही है। अगली स्टोरी है लिव मॉर्गन से रिलेटेड। तो WWE के रीसेंट हाउस शो में लिव मॉर्गन डर्टी डोम की टी शर्ट पहन के आई थी, और यहाँ पर उन्होंने कहा, आई वोर दिस शर्ट फॉर यू। और इस पोस्ट के कमेंट्स में डोमिनिक मिस्ट्रियो ने एक GIF शेयर की है, और यहाँ से अब लगना स्टार्ट हो गया है कि डोमिनिक मिस्ट्रियो लिव मॉर्गन के चक्कर में पड़ चुके हैं। और अपने मैच को जीतने के बाद लिव मॉर्गन ने रिया रिपली को भी यहाँ पर मौक किया, और उन्होंने कहा, हाय रिया। और इस पोस्ट को भी डोमिनिक मिस्ट्रियो ने लाइक किया है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि लिव मॉर्गन अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हैं, और उन्होंने डोमिनिक मिस्ट्रियो को अपने जाल में फंसा लिया है। तो वैसे आगे बढ़ते हैं आज के पास स्टोरी की तरफ। आज की पास स्टोरी है जजमेंट डे के ब्रेकअप से रिलेटेड। तो ज़ेरो न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि डेमियन प्रिस्ट जल्दी ही जजमेंट डे के मेंबर्स के साथ ही फ्यूड करने वाले हैं, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें डेमियन प्रिस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच में मैच देखने को मिले, और कहीं ऐसा ना हो कि फिन बैलर ही वो रीजन बने जिसकी वजह से डेमियन प्रिस्ट अपनी वर्ल्ड टाइटल को हारें। और पिछले कुछ टाइम में हमने इस चीज़ के टीजेस भी देखे हैं, जैसे कि हमने बैकलैश में भी देखा था, जब डेमियन प्रिस्ट ने जे उसो को हराया था, उसके बाद जजमेंट डे के मेंबर्स ने वहाँ पर आकर जे उसो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद डेमियन प्रिस्ट ने उन्हें वहाँ से धक्का देकर हटाया भी था। और डेमियन प्रिस्ट पिछले कुछ टाइम से एक फेस सुपरस्टार्स की तरह भी एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर को भी उन्होंने खुद जाकर वर्ल्ड टाइटल का ऑफर दिया, और सेथ रॉलिंस को भी। तो ऐसा तो एक फेस सुपरस्टार ही करता है। तो डेमियन प्रिस्ट पिछले कुछ टाइम से एक ट्विनर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब देखते हैं जजमेंट डे का ब्रेकअप हमें कब देखने को मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।